morning everyone and welcome back to my YouTube channel once again. I hope everybody is doing perfectly fine. Morning breakfast. आज भैया आलू के पराठे बनाए गए हैं क्योंकि मैम को बहुत परेशानी हो गई थी कि हम लोग डेली पोहा हुआ खा रहे हैं, तो आज थोड़ा चेंज. मैं भी सोके उठाऊंगा उस प्लीज इग्नोर मी. आज काफ़ी चीज़ें कर दी हैं. लेट्स सी अंदर पाते हैं. पहले ज़रा चाय पी. मतलब आलू की रोटी का अचार, चटनी और दही और कैमरा ऑन होते ही इनकी एक्शन शुरू. और हम लोग देख रहे हैं, ये सीरियल नाम क्या था सीरीज का? कालकूट. बहुत ही सीरीज है जिसको देखनी हो तो जियो सिनेमा पे. इट्स वेरी गुड सीरीज. फिर वीडियो बना लेना. वीडियो बना लेना. किस चीज़ की वीडियो? कहाँ जा रही तू? ये नए नए कपड़े पहन के आई कार स्माइल जा रही है. देखो ब्लश कितना कर रही है. चाय बचन बोली. सो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं बाहर. मैडम को जाने सदर बाजार कुछ जूतियाँ खरीदने के लिए. ओहो लिफ्ट पे आ गई. लिफ्ट आ गई भाई, छोड़ के जा रहा हूँ मैं. क्या बोल रही तुम्हें? क्या वीडियो बनानी है? गाड़ी चलाते वीडियो बनानी है तुम्हें? सो भाई हम निकल गए अब मैडम की शॉपिंग के लिए और इनकी एक रील की तैयारी हो रही थी, वो डिस्कशन चल रही है. क्या बनाना चाहती हो रील? आप बताइए मुझे. अजय कुछ नहीं बनाना चाहती मैं. बना लो आगे. तो भैया मेन रोड हमारी बंद कर दी है. सीवर लाइन कट रही थी लेफ्ट साइड में, आप देखेंगे जो मेन रोड है. तो अब ये रहेगी ऐसी अगले दिसंबर, मतलब कमिंग दिसंबर तक. उसके बाद ही इस पर काम होगा कुछ. ये देखिए सनसेट होता हुआ. वैसे ये इसका एक फायदा होता है कि ना खाना ना डाइजेस्ट हो जाता है, बिल्कुल सेट हो जाता है मामला, है ना? पेट पेट में हमें को इतना डाइजेस्ट हो गया ना इतने समय कि मुझे फिर से भूख लगनी शुरू हो गई है. अच्छा क्या खाने का मन है तुम्हारा? ये होता ही. कुछ नहीं खाने का मन. शुरू को मैं टर्न मारा. शुरू यहाँ से गया सीधा यहाँ जाके पड़ा. आए हाय क्या बदबू आ रही है भाई. बाहर तो नाला है साइड में. ये देखिए अपनी रुद्रा और रुद्रा की शर्माई. और ज़रा थोड़ा सा रिस्क लेके आप लोगों को पता ये बहुत हैवी ड्राइवर है कल्पना. वैसे भी ये शी माई वाइफ दी हैवी ड्राइवर कल्पना. भाई राव साहब गाड़ी चला रहे हैं हमारे. शर्मा एक ए राव. राव एक शर्मा बोलो. राव साहब हम गाड़ी चला लें, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं. You have license to kill, but not license to drive. ये ही होता है बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाली सिर्फ राव साहब में ही हो सकता है. अरे धर लेगी ना पुलिस, पता लगा तेरे को. लर्निंग लाइसेंस है तेरे पास बस. हाँ, तो है ना, बस वो भी बहुत है. तो तुम्हें गाड़ी पे एल लगाना बहुत जरूरी है वरना एल लग जाते हैं. जरा हम गाड़ी अपने हाथ में लें और एटलीस्ट करें कि हमारे काम आज पूरे हो जाए, वरना तो ऐसे हम पहुंच लिए. एक बात तो है, जब तक गाड़ी अपने कंट्रोल में नहीं होती ना स्टीयरिंग फटी पटी रहती है. लुक एट दिस, 15 अगस्त की फुल ऑन तैयारी चल रही है. ये देख लो भीड़ सदर बाजार में. ए भगवान. आशीष तुम्हें स्विमिंग के लिए कपड़े लेने हैं, ले लो. स्विमिंग के लिए पानी कहाँ से लेकर आऊंगा? तुम्हारी सोसाइटी में है तो. काफी दुकानें बंद है आज तो संडे कारण में भी. फाइनली हम लोग आ गए हैं सदर बाजार. भाई कहर भीड़ है यार. ठीक है ले लेते हैं ना तुम्हें. ये है 10-15 वाली पतंग. ये 15 वाली है? तो भैया अपनी 15 अगस्त की तैयारी पूरी हो रही है. मान जाओ हमारे पास घर पे पड़ा है पिछले साल का, काफ़ी अच्छा खासा पड़ा हुआ है. तो पिछले साल हुई थी बारिश है ना, काफ़ी लास्ट टाइम हो गई थी बारिश, तो हम लोग उड़ा नहीं पाए थे ढंग से. लेकिन इस बार लग रहा है कि शायद बारिश ना हो. वो भाई सब करने बांध रहे हैं हमारे. इस बार ट्राई करेंगे, ज़रा टाइम मिलेगा और स्पेस मिलेगी तो पतंग उड़ाने का. पहले हम लोग बालकनी से उड़ाने का सोचेंगे. बालकनी से उड़ोगी और सही हवा होगी तो बालकनी से उड़ाएंगे, अदरवाइज फिर हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे अपने सोसाइटी के, वहाँ से उड़ाने की कोशिश करेंगे. बट वो करेंगे ज़रूर इस बार. कितने की है? 70 की. 70 रुपये की सद्दी. तो हमने सद्दी भी ले ली है. सद्दी बोले तो जो वाइट कलर वाली होती है, ये इसमें वो नहीं होता, कांच नहीं होता, तो इसलिए हमने लिया था. वरना फालतू में किसी को भी लग सकती है कांच से. कांच वाली जो होती है बिल्कुल हाथ और मतलब हाथ भी काट सकती है लिटरली. जो घर में पड़ी दिखाऊंगा आप लोगों को वो. और हो गई वो कह रहे हैं इस बार प्लास्टिक वाला मांजा बैन है. क्या बात कर रहा है? कह रहे हैं वो जो हमने खरीद लिया वो उड़ा सकते हैं ना हम लोग. तो पुराने वाला है ना, क्या करें. पर ये अभी बिक नहीं रहा है, वो मना कर रहे थे अभी. तो ये कौन सा वाला जो रखा हुआ साइड में? दूसरे वाले. फाइनली कितनी है ये? 6. हाँ कितने हो गए भैया? वही कल है मंडे, और मंडे के लिए हमें लेने हैं कुछ फ्लावर्स और मालाएं. अच्छे लग रहे हैं. हाँ जरा चिंतपूर्णी माता का मंदिर.
हम अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि नहाए नहीं है, बट बाहर से एटलीस्ट हाथ जोड़ सकते हैं। जय माता दी। बना रहे हैं मंदिर। हम लोग आ गए हैं अपने फेवरेट टोकरी में गोलगप्पे वाला। और लोग पूछते हैं कि हेवन कैसे नसीब होता है, कैसे होता है गलती? ये देख के तुम्हें ये और सोचो मेरा सेल्फ कंट्रोल कितना अच्छा है कि मेरा मन भी नहीं करता खाने का, क्योंकि बाद में मुझे अपना मोटापा दिखता है। फिर तो सेल्फ कंट्रोल थोड़ी है, सेल्फ कंट्रोल ही है ये कि वेट की वजह से मैं नहीं खा रही। मजबूरी है बेटा, सेल्फ कंट्रोल नहीं बोलते हैं, लेट मी एंजॉय इट, यू डू योर सेल्फ कंट्रोल। बस फोटो खींच लेते हो। कितना बड़ा है ये? बहुत बड़ा चला रहा है। इससे थोड़ा छोटा, इससे छोटे वाला है, इससे छोटा, एक साइज छोटा दिखाना है इससे। तो हम लोग अपने तिरंगा ले रहे हैं अपने घर के लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने बालकनी में लगाते हैं एक तिरंगा। सो व्हेन यू आर होम मैडम, गोलगप्पे खाने के बाद अब खाएंगे मोमोज। अभी दो मिनट पहले मुझे ज्ञान पेल रही थी बेसिकली मुझे ज्ञान पेल रही थी अभी दो मिनट पहले मैं फलूदा कुल्फी खा रहा था ना, बोल रही थी ये सब नहीं खाऊंगी मैं, मोटी हो जाऊंगी। उसके बाद पता क्या किया उसने, उतरी है गाड़ी से कन्वीनियंटली, गोलगप्पे पेल के आई दो प्लेट और उसके बाद दो प्लेट भाई, तो दस दस खाएगी तो एक प्लेट नहीं होता, वो एक प्लेट में खा रही थी, मतलब एक प्लेट नहीं क्वांटिटी की बात हो रही, नंबर ऑफ गोलगप्पा। चलो एक प्लेट खाई, एक प्लेट गोलगप्पे खाई और साथ में अब इनके आ गए मोमोज फ्रॉम ये वाले रंग नहीं है, लास्ट टाइम पैकिंग अलग है इस बार। एक दो तीन, तीन मतलब एक में अगर छः भी हुए तो हो गए कितने, 18 मोमोज। ये कहाँ से चैंपियन ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया पहले बताओ? खाने के नाम पे मोमो बना लेती है बस ये। एनी विच वेस हम भी खाएंगे, ये हैं आटा मोमोज जो बेसिकली आपने पुराने ब्लॉग्स भी देखा होगा हमारे, बहुत कमेंट होते हैं यार, मतलब पेट भरता नहीं चलता है ना आजकल लाइफ है। मुझे लग रहा है कि बाहर जाके गर्मी में घूम पाना ना, और खासकर शॉपिंग कर पाना ऐसी जगहों पे, बड़ी हालत खराब हो गई थी मेरी। पानी वानी पिया, थोड़ा सा लेमनेट पिया, तब जाके हिम्मत आई, अदरवाइज तो लटक गया था। मुझे लग रहा है भी होश रहूँगा ऐसे लग रहा था। एक में चार है, बड़े महंगे आ रही है, चार ही मोमोज देता है, सोच रहे 150 रुपए के चार, पागल है। अबे तब से खा रहे हो तब तो नहीं सोचा, आपसे मत ऑर्डर करना ये चीजें बेकार की। वो 23 वाले भी अच्छा था, वो जो लिडको ट्विन ब्रदर्स वाला, वो 22 में भी है ट्विन ब्रदर्स, पता है जो आटे वाले मोमोज देते हैं। पर ये अब नहीं चल रहा है भाई, 150 रुपए के चार तो बेकार है, मतलब फिर भी कुछ डिस्काउंट करके 300 में तीन पड़े हैं, तो 100 रुपए का एक पैकेट। अब खा लूं ये हजम होंगे या नहीं होंगे? खा लिया तो आ गए हैं, खाने पड़ेंगे। नहीं तुम रहने दे रहा, तुम इतना दुख कर रहे हो तो बस खाना। मैं चाहता हूँ तू अकेले खाए तो कुछ बचना होगे। बट उससे पहले मेरे को एक चीज छूट गई थी, वो खानी है। सारे तुमने निपटाए यार, 1 किलो ये पता कौन देगा? जितेंद्र सूद जो खुद जिम फ्री है और हमें लड्डू पेल के चला गया, सॉरी गुलाब जामुन, हमें मीठा खिलाया जा रहा है, खुद जिम में पहले जा रहा है, एक्सरसाइज करने जा रहा है। सोने का टाइम है, कल है 14 अगस्त, आप लोगों को बताओगे कौन आजाद हुआ, बनाने दो बच्चों को, 15 अगस्त को हम बनाएंगे। 15 अगस्त 26 जनवरी क्या डिफरेंस है बताने की बार? 15 रिपब्लिक डे, एक इंडिपेंडेंस डे है। तो अभी कल, अब कल क्या है? इंडिपेंडेंस डे। अबे तुम मुझे कितना समझते हो, मतलब तुम मुझे क्या समझते हो? नहीं मैं जो समझ रहा हूँ मुझे पता, तो चल ना हिंदी में क्या बोलते हैं, चलो कुछ तो पता भाई। ये फाइनली हमारे मोमोज, ये वाले कौन से हैं? ये काठी, काठी मोमोज, काठी फ्राइड मोमोज, दीज आर पेरी पेरी पनीर मोमोज, ये है पेरी पेरी पनीर मोमोज और स्टीम्ड पनीर मोमोज। स्टीम पनीर ये लो, क्यों मंगवाए? स्टीम के दो मंगा लेते ना। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा, तुम जैसे भी खिलाओगे मुझे, मेरी जरूरत नहीं है अगर तुम्हें ज्यादा लग रहा है तो। चोचले हो रहे हैं तो रहने दे। रेड वाली चटनी, सी वाली बड़ी बड़ी बहुत अमेजिंग चटनी है इसकी वाली। अब जरा साइड बाय साइड देखिए, हम बहुत बहुत तेरी पैन देखते।